हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की ओर से आपके आवेदन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अंदर कितने आवेदन भरे गए, कितनी सीटों पर कितना कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिला। और जो छात्र ये सोचें कि शिक्षक भर्ती में अगर आप थोड़ा सा भी ढील दे देते हैं तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो एचडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहें। बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर टोटल कितने फॉर्म भरे हैं इसकी जानकारी आज के ही अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहां देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 6.5 लाख के आसपास जो आवेदन है वो देखने के लिए मिले हैं 1,22,000 शिक्षकों के लिए, यानी कि भर्ती के लिए। अगर आप लोग 1,22,000 को यहाँ पे सीधे तौर पे डिवाइड कर देते हैं तो लगभग 5 से ऊपर आप सभी को जो पॉइंट है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात पूरे तरीके से साफ है कि एक सीट पर आवेदन के लिए लगभग आप सभी को 5.32 के आसपास अभ्यर्थी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मैंने पूरा राउंड फिगर ले लिया है क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, 1-5 के भी हैं, 6-8 के भी हैं, इसके अलावा और भी अलग अलग। लेकिन यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि परीक्षा को लेकर यहाँ पे अब तक अगर बात की जाए तो जो अभी तक 1,22,000 सीटों के लिए लगभग 6.5 लाख तक जो आवेदन है वो देखने के लिए मिले हैं शनिवार देर शाम तक। लेकिन अभी इसके अंदर सभी भर्तियों के अलग अलग कितने आवेदन मिले हैं उसको लेकर अलग से डाटा जारी किया जाएगा और उसके बाद ये तय होगा कि टोटल कितने आवेदन आए हैं। लेकिन अभी के लिए 1,22,000 पदों पर अगर हम निकाल करके देखें तो एक सीट पर 5 अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि जब 6-8 का आंकड़े सामने आएंगे तो उसमें कंपटीशन इससे भी ज़्यादा होगा। जैसे ही पूरा डाटा मैं कलेक्ट करूँगा उसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।